वेकोली बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ते टाउनशिप में चेंबर सफाई के दौरान गैस लगने से हुए हादसे में दो की मृत्यु हो गई, दो घायल हुए तो वहीं एक कामगार की हालत नाजुक होने से उसे नागपुर रेफर किया गया। वेकोली बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ते टाउनशिप में चेंबर सफाई के दौरान गैस लगने से हादसा हुआ जिसमें दो की मौत हुई। मृतकों में राजू जंजरला और रामजी खांडारकर का समावेश है तथा दो घायल हुए जिनका उपचार शहर के निजी अस्पताल में शुरू है। घायलों में शंकर अंधगुला, प्रमोद वाभिटकर वेकोली कर्मचारी का समावेश है तो वहीं सुशील कोर्डे नामक कर्मचारी की हालत नाजुक होने से उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, जब इन्हें इस दुखद घटना की जानकारी मिली तब श्री अहीर अस्पताल में घायलों की पूछताछ करने पहुंचे। वेकोली अधिकारियों ने सुरक्षा संबंध बातों का ध्यान न रखने से यह दुखद घटना होने का आरोप करते श्री अहीर ने संपूर्ण मामले के लिए घटना स्थल पर उपस्थित वेकोली के सेफ्टी अधिकारी जिम्मेदार होने का बताते संबंधितों पर कड़ी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी भूमिका ली। साथ ही इस दुर्घटना में मृत्यु हुए राजू जर्जुला और रामजी खंडारकर इंठेगा कामगारों के परिवारों को साथ ही घायलों को जल्द आर्थिक सहायता दी जाए ऐसी मांग भी श्री अहीर ने इस समय की। इस अवसर पर भाजपा नेता खुशाल बुंडे, भाजपा किसान आघाड़ी के जिलाध्यक्ष राजू घरोटे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बल्लारच्या एरिया मधल्या माइन मध्ये काही मजूर लोक गटर साफ करण्याकरता उतरून आले होते, ते तपासणी करण्यात न आल्यामुळे ते गाळण जास्त होतं 10-15 फूट आणि गॅसही या दोन्हीमुळं ते दबून त्या ठिकाणी एक कामगार पहिले दबला, मग दुसरे कामगार त्याला वाचवण्याकरता गेले, मग ते पण त्यामध्ये गंभीर जखमी होऊन त्यापैकी दोन कामगार जे कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर होते ते दोन त्यापैकी गेले, एक WHLचा एम्प्लॉई आहे तो सिरियस आहे, त्याला नागपूर रेफर केलेला आहे। रेस्क्यूमधले जे दोन लोक होते ते पण मामूली जखमी आहेत, मग ते त्याच्यातला स्थिती फार चांगली त्यांची, मग तो दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि एक जण फार सिरियस आहे त्या नागपूर नेत असताना त्याची शक्यता आहे तो वाचूनही जाईल, परंतु दोन जणं जाणं हे फार मोठा आम्हाला अपघात गंभीर वाटतो आणि संबंधित जे अधिकारी साईटवरचे असतात त्यांनी हे सगळं तपासणी केल्याशिवाय तिथं कोणाला गटरमध्ये उतरू नये संकेत असतानाही त्यांनी हा अपघात होऊ दिलेला आहे, म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर कोणी असलं तो कॉम्पिटिशन देईल, परंतु जीव जो गेलेला आहे तो WHLच्या सेफ्टीचे अधिकारी जे आहेत त्यांची नक्की त्यामध्ये चूक आहे, हे चौकशी होईल आणि त्याच्यात जो अधिकारी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, नाहक दोन जणांचा जीव गेलेला आहे। तो वही कामगार संघटक इंटक के वेकोली महामंत्री के सिंह ने भी इस हादसे संदर्भ में चिंता जताते हुए मृतक कामगार के परिजनों को वेकोली की ओर से उचित मुआवजा देकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आज बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ती टाउनशिप में गटर की सफाई करने के लिए ठेकेदारी मजदूर जब उसको साफ करने की कोशिश किए तो गैस के कारण एक आदमी उस गटर में गिर गया, उसको बचाने के लिए दूसरा कूदा, दुर्भाग्य से दोनों की मौत हो गई और एक आदमी जो वेकोली का एम्प्लॉई है परमानेंट वो गंभीर अवस्था में है, वहाँ से रेफर किया गया उनको चंदपुर के दवाखाना कुबेर में और कुबेर से WHL एम्प्लॉई को रेफर कर दिया गया नागपुर और बाकी दो का दुखद देहांत हो गया। संघ मृतक परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती है और ये मांग करती है कि जिनका दुखद देहांत हुआ है उनको जो 15 लाख माइन एक्सीडेंट के रूप में जो गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया वो मिले, साथ में उनके मौत का कंपनसेशन मिले उनको। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके एक आश्रित को नौकरी भी वेकोली में मिलना चाहिए और इसकी एक हाई लेवल की जाँच होनी चाहिए क्योंकि ऐसी दुर्घटना कई बार हो चुकी है और ठेकेदारी मजदूरों को बगैर कोई सुरक्षा साधन के, बगैर कोई उनको अच्छे वेतन दिए हुए उनको जोर जबरदस्ती से उनसे काम लिया जाता है, दबाव में काम लिया जाता है और उस कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। बार बार परमानेंट वर्कर हो या ठेकेदारी मजदूर हो उनके ऊपर जान पे बनाती है और हर बार जो इसमें दोषी हैं जो अधिकारी
इनसे जबरदस्ती काम करते हैं कराते हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और लीपापोती कर दिया जाता है। संघ इसका निषेध करता है, बहुत बार मांग कर चुका है। सभी संगठन विशेषकर इंटक ने बार बार मांग किया है कि ठेकेदारी मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, पर ये कभी बंद नहीं हुआ है। और इस पर एक हमारे राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, मैं तो मांग करूंगा हमारे जनप्रतिनिधियों से कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए और इस पर एक जांच होके दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। बता दें कि इससे पूर्व भी 10 अक्टूबर 2021 को वेकोली बलारपुर क्षेत्र में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इस संबंध में वेकोली मुख्यालय के जीएम सेफ्टी ने एक हफ्ते में जांच करने के आदेश दिए थे, परंतु जांच संदर्भ में उनसे संपर्क करने पर कोई प्रतिसाद नहीं मिला, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा नियमों को लेकर वेकोली कितनी गंभीर है।